शेख फैजी ने मतलब एक लेक्चर में बताया था उनके कि आजकल ये लव ट्रैप बहुत चालू है, ऑरेंज लव ट्रैप, आप समझ रहे हैं मैं किस तरह इशारा कर रहा हूँ। तो ऐसा हो रहा है कि मैं वीडियोस जो होते हैं ना, मतलब कैसा होता है कि हमारा अप्रोच करने का तरीका सही नहीं होता है बहन का। मतलब हम देखते हैं कि हमारी एक बहन है, वो गैर मुस्लिम के साथ जा रही है, कुछ लड़के आके उसको घेर लेते हैं, वो लड़के को पकड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो ऐसे में तो फिर लड़की बागी हो जाएगी, आप समझ रहे हैं। बोलेगी मुझे नहीं करना तो और करेंगे। तो ऐसे लोगों को कैसे किस तरह से समझाना सही होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। जी, मैं तो इससे पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि ये जो तरीका है ना, कि किसी नकाब वाली लड़की को अगर किसी के साथ देख लिया तो बाज लोग बिल्कुल वो लाठी वाठी लेकर के पहुंच जाते हैं, पहली बात तो वीडियो बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत गलत बात है। वो उस लड़की की इज्जत है, उस इसकी इज्जत के साथ उसके खानदान की इज्जत जुड़ी होती है। ऐसी वीडियो लेकर के वायरल करने का नुकसान ये होता है कि वो लड़की उसकी इज्जत से तो हाथ धो बैठती है। हमारा काम उसकी इज्जत का तहफुज करना है कि उसको और बदनाम करना है। तो वीडियो बना करके लोग डाल देते हैं, उससे उस लड़की की इज्जत तो दागदार होती है, उसके साथ उसके खानदान की इज्जत भी दागदार होती है। तो ये रवैया तो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, कानूनी एतबार से भी सही नहीं है। अगर हिंदुस्तान का कानून ये कह रहा है कि दो बालिग मर्द और औरत आपस में अगर शादी करना चाहें और दोनों के मजहब में इख्तिलाफ है, अलग अलग मजहब के लोग हैं, तो कर सकते हैं। तो जब कानून हमको यहाँ पर ताकत इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता है, तो हम जाहिर सी बात है ताकत का इस्तेमाल कर नहीं सकते ना। ऐसे मामला में ताकत का इस्तेमाल मुफीद होता है। जाहिर सी बात है, एक लड़की ठीक समझदार है तो उसको उसकी है, शरीयत का, दीन का, अकल का, लॉजिक का, उसके फ्यूचर का हवाला देकर के उसको समझाना चाहिए, कन्वेंस करना चाहिए। ऐसे मामला में कन्वेंस करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। उसको कन्वेंस करना चाहिए, उसके माँ बाप को कन्वेंस करना चाहिए, उसके घर वालों को कन्वेंस करना चाहिए। तो और इसके अलावा और हमारे पास हिंदुस्तान में कोई रास्ता नहीं है। तो ये ताकत का इस्तेमाल करना या वीडियो बना करके डालना, उसकी ये शरई और कानूनी किसी भी एतबार से दुरुस्त नहीं है। इसमें कोई सिवाय नुकसान के और कोई फायदा भी नहीं है।